दिशा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक चीख के साथ नींद से उठ गई। दिशा की चीख सुनकर उसकी माँ कनिका दौड़ते हुए कमरे में आ गई। क्या हुआ दिशा, तुम चीखी क्यों? मुझे आज फिर से वही सपना दिखाई दिया माँ। तुम उस सपने के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो, तुम्हें वो सपना आना बंद हो जाएगा। अब टेंशन फ्री होकर सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह दिशा कॉलेज चली गई। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं प्रीति, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। कहीं तूने फिर से वही सपना तो नहीं देखा? हाँ प्रीति, मैंने कल रात फिर से वही सपना देखा। दिशा, आखिर तुम्हें ये सपना बार बार क्यों आता है? मैंने सुना है कि अगर एक सपना किसी को बार बार आए तो वो सपना देखने वाले के लिए एक चेतावनी होती है। नकुल, दिशा को और ज्यादा मत डराओ, वो बेचारी पहले से ही इतनी डरी हुई है। कॉलेज खत्म होने के बाद दिशा घर चली गई, मगर रात में सोते हुए दिशा फिर से चीखती हुई उठी। ओह माय गॉड, सपना तो बिल्कुल सेम वही था, बस इस बार सपने में मैं नहीं थी। दिशा को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन दिशा फिर से कॉलेज चली गई। दिशा, आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या तुमने फिर से कल रात वही सपना देखा? पहले मैं सपना देखती थी कि कोई बड़ी भयानक शक्ल वाला लड़का मेरा गला दबोच रहा है, लेकिन आज मैंने सपने में देखा कि वही लड़का तुम्हारा गला घोट रहा था। चलो, कुछ तो तुम्हें सपने में अलग दिखाई दिया। मुझे तो अब निशा की सपनों से डर लगने लगा है। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर जा रही थी। क्या बात है प्रीति, आज तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। तुम तो जानते हो कि दिशा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, बेचारी को एक सपने ने काफी परेशान कर रखा है, वो सपना उसे बार बार आता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है प्रीति कि दिशा के उस सपने का संबंध कहीं उस घटना से तो नहीं। आज तो बोल दिया है, लेकिन अब दोबारा मत कहना। हम दोस्तों ने मिलकर वादा किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। प्रीति की बात सुनकर राहुल चुप हो गया। राहुल प्रीति को घर पर ड्रॉप करके चला गया। प्रीति अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। अचानक नींद में प्रीति को अपने कमरे में बहुत ही ठंड का एहसास होने लगा। प्रीति अचानक नींद से जागी, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में थी। उसके सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाला लड़का, जिसके पंजे भेड़िए जैसे थे, उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? और मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना नहीं है प्रीति, सच है। तुम अपने कमरे में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में ही हो। प्रीति उस कब्रिस्तान को बहुत ही गौर से देखने लगी। ये नामुमकिन है। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक चेहरे वाला लड़का बिजली की रफ्तार से प्रीति के करीब आ गया। अचानक उसने प्रीति का गला दबोच लिया। प्रीति का चेहरा देखते ही देखते सफेद पड़ गया। अगली सुबह प्रीति की लाश उसके बेडरूम में मिली। दिशा अपनी दोस्तों के साथ फूट फूट कर रो रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही सपने में देखा कि एक भयानक चेहरे वाला लड़का प्रीति का गला दबोच रहा है। मुझे विश्वास है उसी ने प्रीति को मारा है। तुम पागल हो गई हो दिशा, प्रीति अपने बेडरूम में मृत अवस्था में मिली। मैंने प्रीति की बॉडी देखी थी नकुल, और जिस ने प्रीति की बॉडी देखी थी वो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आश्चर्यचकित? लेकिन क्यों? क्योंकि प्रीति के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, जबकि प्रीति जिस कॉलोनी में रहती है वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई पार्क है और ना ही कोई कच्ची जमीन, फिर उसके पैरों में मिट्टी कैसे लगी? हो सकता है वो रात में बाहर टहलने के लिए निकली हो,
प्रीति वैसे भी अक्सर रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए जाती थी। उसके भाई ने बताया कि उस रात प्रीति जल्दी सो गई थी और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे दिशा की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। दिशा उदास मन से अपने घर पर आ गई और अपने आप से बोली, जब मैं सोऊंगी ही नहीं तब मुझे सपने भी नहीं आएंगे। मगर दिशा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में दिशा ने फिर से भयानक सपना देखा। नंदिनी एक भयानक कब्रिस्तान के अंदर भाग रही थी। एक भयानक दिखने वाला लड़का नंदिनी के सामने आ गया। कौन हो तुम? सच बताओ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती कि तुम कौन हो। मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया नंदिनी, तुम्हारे किस्मत यहाँ पर तुम्हें खींच कर ले आई। तुम सबको मैंने मना किया था कि मेरे प्यार के बीच में मत आओ, मगर तुम सब दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी। इसका मतलब कहीं तुम वही तो नहीं? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया नंदिनी। मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी कि आज का दिन तुम्हारा है, लेकिन कल मेरा भी दिन आएगा और उस दिन मैं तुम सबको मार कर अपने प्यार को दुनिया की नजरों से दूर लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर उस भयानक लड़के ने अपने भेड़िये जैसे पंजों से नंदिनी का गला दबोच लिया। नंदिनी मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी के जमीन पर गिरते ही दिशा का सपना टूट गया। दिशा लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई दिशा के कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम फिर से चीखी? तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना ही होगा। उसने नंदिनी को मार दिया, उसने नंदिनी को मार दिया। किसने नंदिनी को मार दिया? दिशा, तुम ये क्या बोल रही हो? माँ, कुछ समय पहले मैंने सपना देखा था कि उसने प्रीति को मार दिया और प्रीति वास्तव में मर गई। आज मैंने सपना देखा कि उस भयानक लड़के ने मेरी दोस्त नंदिनी को मार दिया और मुझे विश्वास है कि वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। घबराओ मत बेटी, वो सिर्फ एक सपना था और तुम्हारी दोस्त के साथ जो हुआ एक हादसा था। तभी दिशा के फोन की घंटी बज उठी। हेलो राहुल, क्या हुआ? इतनी रात में तुमने मुझे क्यों कॉल किया? सब कुछ ठीक तो है ना? दिशा, खबर अच्छी नहीं है। जल्दी बताओ राहुल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ देर पहले हमारी दोस्त नंदिनी की मौत हो गई। दिशा, उसके पैरों में भी मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले वो कहीं पर गई हो। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसके घर वाले बता रहे हैं कि नंदिनी शाम के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। दिशा, हम पांच दोस्तों में सिर्फ तीन दोस्त बचे हैं, मैं, तुम और नकुल। हम तीनों को अब तुम्हारे साइको लवर अर्जुन के बारे में बात करनी ही चाहिए। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया। दिशा के दिमाग में पुराने दृश्य चलने लगे जब वो अपने साइको प्रेमी अर्जुन से बहुत परेशान थी। बस बहुत हो गया अर्जुन, कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अजीब जबरदस्ती है, मेरा पीछा मत करना। मैं तुम्हारा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा था ये साइको? हमेशा की तरह एक ही रट लगाए बैठा है कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें इसकी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। तुम भी साइको लवर की बातों को इतना सीरियसली लेने लगी? ये साइको लवर्स बहुत ही पागल होते हैं, पता नहीं ये कब क्या कर जाए। अचानक अर्जुन तेजी से कार को लेकर आया और दिशा को उसने कार के अंदर खींच लिया। राहुल, गाड़ी निकाल, ये साइको कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। राहुल की कार में सभी दोस्त सवार हो गए और राहुल अर्जुन की कार का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में अर्जुन और दिशा के सारे दोस्त एक पहाड़ पर आमने सामने थे। दिशा को छोड़ दे साइको, मेरे प्यार के बीच से हट जाओ, नहीं तो तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल को अर्जुन की बात पर गुस्सा आ गया। राहुल बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने उसे धक्का दे दिया।
ओह माय गॉड राहुल, तुमने ये क्या किया? ये तो मर गया। आज नहीं तो कल पुलिस को इसकी लाश मिल ही जाएगी, हम सब पकड़े जाएंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं एक ऐसा पुराना कब्रिस्तान जानता हूँ जो बरसों से वीरान पड़ा हुआ है। हम इस साइको की लाश को ढूंढकर उसी कब्रिस्तान में दफना देंगे। राहुल और उसके सारे दोस्तों ने यही किया। अर्जुन की लाश को उसी पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया। अगले दिन शाम के समय नकुल और राहुल एक रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत कर रहे थे। दिशा, मैंने प्रीति से अर्जुन के बारे में बात करने की कोशिश की थी। तुम्हारा मतलब है उस साइको लवर के बारे में जो दिशा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था? हाँ, उसी के बारे में। लेकिन वो तो मर चुका है। नकुल, गौर करो, उसकी मौत के बाद से ही दिशा को अजीबोगरीब सपने आने शुरू हो गए। और उसके बारे में जब मैंने छानबीन की तो छानबीन करने के दौरान मुझे कुछ चौंका देने वाली बातें सुनने को मिली। अर्जुन शैतान का पुजारी था, वो काला जादू करने में भी माहिर था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं एक तांत्रिक लेडी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। नकुल और दिशा राहुल के साथ तंत्रिका के घर पर चले गए। वो काला साया तुझसे अलग होकर भी तुझसे अलग नहीं हो पाया, वो तुझे ले जाकर ही मानेगा। मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तो तुझे उसे मारने से पहले सोचना चाहिए था। उसे जानबूझकर नहीं मारा हमने, बल्कि वो गलती से खाई में गिर गया था। मौत से पहले उसने अपने गले में शैतान का लॉकेट पहना हुआ था। तुम्हें उस कब्रिस्तान से उसकी लाश को निकाल कर उसकी अस्थियों को जलाना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। वो तीनों उस कब्रिस्तान में चले गए। राहुल और नकुल फावड़ा लेकर उस जमीन को खोदने लगे। कुछ ही देर में उसकी अस्थियां सबके सामने थी। नकुल ने जैसे ही उन अस्थियों को हाथ लगाया, वो हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल से टकराया। पेड़ की डाल उसके सीने की आर पार हो गई। दिशा चीखती हुई बोली, राहुल, राहुल, वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरी अस्थियों को चला दोगे? उसने अपने भेड़िए जैसे पंजों से राहुल की गर्दन दबोच ली। राहुल चीखता हुआ दिशा से बोला, देर मत करो, इसकी अस्थियों को तुरंत आग लगा दो। दिशा ने बड़ी फुर्ती से उन अस्थियों पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। राहुल मृत अवस्था में नीचे पड़ा था और दिशा का साइको लवर धुआं बनकर गायब हो गया। ये बात सन 2002 की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे अन्य बड़े देशों में भी मशहूर कर दिया था। मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव चंदावली। रात के 10 बजे थे। आज हवा काफी अच्छी चल रही है, मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, बारिश आ गई तो भाग कर नीचे ही आना पड़ेगा। मुकेश छत पर गया और खाट बिछा कर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से उसे जल्द ही नींद आ गई। रात के अंधेरे में एक आकृति आसमान में काफी देर से उड़ रही थी। मुकेश बेखबर सोया हुआ था। कुछ देर बाद उसको अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। चांद की मध्यम रोशनी में एक बहुत ही अजीब और भयानक दिखने वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके चारों हाथ पैर काफी पतले थे, नाखून बहुत ज्यादा पैने थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और जबड़ा किसी भेड़िए के जैसा था। उसे देखकर मुकेश का दिल दहल उठा। उसने भयानक आवाज करते हुए मुकेश के मुंह पर अपना खतरनाक पंजा रखा और उसका मुंह नोच डाला। मुकेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके नाखून मुकेश के गाल और होंठ को फाड़ चुके थे। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर उसका परिवार और पड़ोसी जाग उठे। सब मिलकर उसके छत पर पहुंच गए तो सामने का मंजर देखकर उनका भी दिल दहल उठा।
मुकेश जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना था। ये देखकर उसकी बीवी की चीख निकल गई। सभी को इंतजार था कि वो होश में आए और बताए कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन जब कुछ घंटों बाद मुकेश होश में आया तो वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। अलीगढ़ का मल्हारी गांव, रात के 10 बजे लीना अपने छत पर खड़ी अपने बराबर वाले छत की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस छत पर एक लड़का आया। लाओ, कहाँ आया हमारा गिफ्ट? ओहो, अंग्रेजी बोलने लगी हो। रोहित ने उसको अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर पहनाई। वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। दोनों चारपाई पर लेटकर आसमान में चमकने वाले चांद को देखते हुए बातें करने लगे। तभी एक बड़ी सी आकृति उनके ऊपर से गुजर गई। रोहित, वो क्या था? कोई चाल हो सकती है। उन्होंने देखा कि वो घूमकर वापस उन्हीं की तरफ आ रही है। ये क्या है? वो झपाक से उनके सामने आ गया और उसने लीना का मुंह नोच डाला। उसने रोहित की दोनों आंखें अपने तेज नाखूनों से एक एक करके निकाल डाली और उनको किसी टॉफी चॉकलेट की तरह खाने लगा। लीना पास कांपते हुए ये सब देख रही थी। एक खौफनाक चीख के साथ रोहित ठंडा पड़ गया। ये देखकर लीना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीना को होश आया तो छत पर रोहित और उसके घर वालों के साथ कुछ गांव वाले और पुलिस भी मौजूद थी। वो बहुत भयानक था। इंसान था या जानवर कुछ नहीं पता। उसके हाथ और पैर किसी छिपकली के जैसे पतले थे, लेकिन उनमें जान बहुत थी। नाखून इतने तेज की तलवार भी उनके आगे कुछ नहीं। जबड़ा किसी भेड़िए के जैसे था। आंखें बड़ी बड़ी थी। उसकी पीठ पर पंख था जिससे वो उड़ते हुए हमारी छत पर आ गया था। पुलिस ने लीना का स्टेटमेंट लिया तो उसको पिछले वाले हादसे से इस हादसे का कनेक्शन नजर आया। धीरे धीरे अब यूपी के हर जिले में वो वारदात होने लगी। लोगों ने उसका नाम मुंह नोचवा रख दिया। अब उसकी दहशत इस तरह फैली कि 2002 में लोगों ने अपने घर की छत पर सोना ही बंद कर दिया। अब पुलिस भी रात को मुनोचवा का पहरा देने लगी थी। वो कुछ पुलिस वालों को भी नजर आता, लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरठ के दिल्ली गेट थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राजेश है और वो मुनोचवा मेरा बेटा है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुनोचवा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वो तो एक जानवर है। नहीं साहब, वो मेरा ही बेटा है। अब वो एक जानवर के जैसा दिखने लगा है, सिर्फ मेरी क्रूरता की वजह से। आज से 8 साल पहले मेरी बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ था। उसके हाथ पैर पतले थे, आंखें फटी फटी थी, शक्ल बहुत ही बदसूरत। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब वो बड़ा हुआ तो मेरी नफरत और भी बढ़ती गई। तब मेरी मुलाकात दिल्ली के एक साइंटिस्ट से हुई। उसने कहा कि वो उसको ठीक कर देगा। मैंने अपने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया। वो उस पर अपनी दवाओं के एक्सपेरिमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश में लग गया, लेकिन ऐसा करने से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी शरीर की ताकत बढ़ने लगी। एक दिन उसने साइंटिस्ट को मार दिया और वहां से गायब हो गया। मैं बात बात पर उसका मुंह नोच लिया करता था, इसीलिए शायद अब वो मुंह नोचुआ बनकर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला निर्दोष लोगों से ले रहा है। आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसको रोका नहीं गया तो पता नहीं कब तक देश को उसकी दहशत के साए में रहना पड़ेगा। रात को तकरीबन 12 बजे राजेश अपने घर की छत पर पलंग बिछाए लेटा था। उसकी नजरें आसमान में किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसको मुनोचवा का साया नजर आने लगा। वो बेचैन सा होकर पलंग से उठ गया और तभी मुनोचवा उसके सामने आ गया। वो उसको गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक से शांति भंग हुई और मुनोचवा को 2 गोलियां आकर लगी। फिर कुछ पुलिस वालों ने उस पर जाल भी डाल दिया। गोलियां लगने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो चुका था और जाल की वजह से वो उड़ नहीं सकता था। जल्दी से इसको कस्टडी में लेने का इंतजाम करो।
उसको एक स्पेशल कस्टडी रूम में रखा गया जहां बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी। उस टाइम कैमरा सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बस दिन में दो बार उस कमरे में जाकर दूर से ही उसको देख लिया जाता था कि वो शेल में है कि नहीं। सर, इसको हमने इतने दिनों से बंद कर रखा है, खाने पीने को भी कुछ दे नहीं रहे, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा और अब लगता है कि इसका पंख भी ठीक होता जा रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो इसका एनकाउंटर कर देंगे। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उसको देखने के लिए कस्टडी रूम में गया तो उसके होश उड़ गए। जेल के तीन सरिये निकलकर जमीन पर पड़े थे और रूम की ऊपर की छत टूटी हुई थी। वो भाग चुका है, जल्दी से अलर्ट जारी करो। शहर में जब ये खबर फैली कि मूनोचुआ भाग चुका है तो फिर से दहशत का माहौल बन गया। वो और लोगों को मारे, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। इस बार राजेश रात के टाइम बिना किसी को बताए अपने घर की छत पर गया और मूनोचुआ के आने का इंतजार करने लगा। इस बार वो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने पिता के सामने पहुंच गया। बेटे, मुझे माफ कर दो। उसने तभी राजेश की आंखों में नाखून मारकर उसको अंधा कर दिया। उसके बाद उसने उसके चेहरे को इस तरह से नोचा और फाड़ा जैसा आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। राजेश को खत्म करने के बाद मूनोचुआ फिर से हवा में गायब हो गया। कुछ दिन के बाद मूनोचुआ ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और धीरे धीरे उसकी दहशत भी खत्म हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आसमान में उड़ते हुए उसको देखा गया है। क्या आपने भी कभी रात में किसी ऐसी आकृति को आसमान में उड़ते हुए देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के तीन रास्तों को चुड़ैल के तीन रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस तीन रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के तीन रास्ते से। चुड़ैल का तीन रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो तीन रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश तीन रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीन रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे, अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस तीन रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला एक हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौटाता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है, कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है, तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस तीन रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा,
तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस तीन रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस तीन रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस तीन रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था। लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे तीन रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा जिंदगी भर, ये वादा रहा मेरा। पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला तीन रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस तीन रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने तीन रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के तीन रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर बाहर का काम और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग की मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं चुड़ैल है। यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है। रुको मैं भी आ रही हूँ, जल्दी आओ। मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो, प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी, एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति माँ उसे बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया के दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है। कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। अब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका
और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है। काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे, क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी, जहां बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खा कर जाओ। और बेटी आ जाओ, मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में खुलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गईं। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ तुम कहाँ चली गई थी? सोनू की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा, मीनाक्षी क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए, वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गांव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था, जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे लक्ष्मी, सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसिया मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है, लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें, हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए, जो बिल्कुल रामानुज, लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुँचा। मीनाक्षी, मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ, ले इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई, तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है। अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई, तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया।